ెంట్ కార్యక్రమం మొదలై ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పలువురు క్రీడాకారులు ప్రముఖులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ రన్నర్ మిలింద్ సోమన్ పౌష్టికాహార నిపుణురాలు రుజుట దివేక తదితరులతో ఆన్లైన్ వేదికగా ముచ్చటించారు భారత తొలి సూపర్ మోడల్ మిలింద్ సోమన్ మీ ఫిట్నెస్ రహస్యం ఏంటంటూ ప్రధాని మోదీ ప్రశ్నించారు మిలింద్ సోమన్ వయసు ఆరు పదులకు చేరువవుతున్నా అతనిలో ఏమాత్రం ఫిట్నెస్ తగ్గలేదు ఎప్పటికప్పుడు తన వర్కౌట్ వీడియోలతో తన అభిమానులను ఇప్పటికీ అలరిస్తున్నారు అతని వయసు చెబితే చాలా మంది నమ్మరు మోదీ ఇదే విషయాన్ని ప్రస్తావించారు దానికి మిలింద్ తన తల్లే స్ఫూర్తి అని చెప్పాడు ఎనభై ఏళ్ల వయసులోనూ ఫిట్నెస్ తో తనతో పోటీ పడుతున్నట్లు కూడా చెప్పారు నమస్తే నమస్తే मेड इन इंडिया मिलिंद जी बिल्कुल देखिए मिलिंद जी आप अपने तरीके से मेक इन इंडिया के बहुत वोकल समर्थक रहे हैं जी मेड इन इंडिया नाम पर आपकी किताब भी काफी पॉपुलर हुई है जी मिलिंद जी मैं जरा कुछ अलग का ही सवाल पूछ लेता हूं आपको ये जो ऑनलाइन आपकी उम्र के विषय में बताया जाता है जी वही उम्र <laughs> है कि कुछ और है <laughs> <laughs> लोग मेरे मेरे हिसाब से पहली बात पहली तो मैं ये कहना चाहूंगा ये फिट इंडिया मूवमेंट जो बनाया गया है ये तो बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा <laughs> तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी उम्र अभी पचपन पच्च, साल की है तो मैं उनसे कहता हूं और आप इतने मतलब आयन मैन किया है अल्ट्रामैन किया मैराथन दौड़ते हैं सौ सौ किलोमीटर दौड़ते हैं चार सौ पांच सौ किलोमीटर दौड़ते हैं 2012 में मैं दिल्ली से बॉम्बे भी दौड़ा था तो लोग पूछते हैं कि इतनी उम्र में आप ये कैसे कर सकते हो तो मैं उनसे कहता हूं कि मेरी माँ है इक्यासी साल की है अभी तो वो जो कर सकती है वो मैं सोचता हूं जब मैं उनकी उम्र तक तो है वैसे मेरे लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए भी जहां तक टेक्नोलॉजी फैल गई है अभी इलेक्ट्रिसिटी है सबके पास अभी सबके पास टेक्नोलॉजी है इंटरनेट है तो हम बैठते हैं और जितना हम बैठते हैं उतनी हमारी शक्ति कम हो जाती है जी, आपने सही कहा फिटनेस नोज नो एज No और ये 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 सच्चाई है मैं मानता हूं कि हर किसी ने अपनी लकीर बड़ी करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए दूसरे की लकीर कम करने में समय बर्बादी नहीं करना चाहिए बिल्कुल बातें चलती हैं चलती रहेगी <laughs> एक क्रिकेटर विराट कोहली तो अतनी फिटनेस रहस्य पै मोदी चर्चा मैच प्रैक्टिस मिस रोजू वर्कआउट चाहिए के पोते मात्रम तनक एदोला ఉంటుందని కోఖలి చెప్పాడు. ఆ తో నామ్ బి విరాట్ ఔర్ కామ్ బి విరాట్. నమస్కార్. దుబాయ్ మే సే ఆజ్ సమయ్ నికాలా ఔర్ వహా తో యే ఖేల్ ఆప్కా బడా తనావ్ పడ రహతా హై. ఉస్మే బి ఆప్నే ఔర్ అప్ని భాగ్దౌడ్ భరి జిందగీ మే అబి జో ఫిట్‌నెస్ రూటీన్ ఫాలో కర్తే హై मैं जरूर चाहूंगा देश भी जानना चाहेगा क्योंकि नौजवान आपको आपके हर गतिविधि को देखता है ये आपको कैसे मदद करता है आ, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ पे आ, हम सबको बुलाने के लिए एक आ, सब लोगों ने फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करी और आ, इसके फायदे इसके लाभ हमको आ, रोज अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी तरीके से दिखते हैं सबने अपने एक्सपीरियंसेस बताए Uh, मिलिंद जी ने भी बहुत uh, अच्छी बातें रखी बहुत इंस्पिरेशनल उनका भी काम रहा है उनकी जर्नी रही है पिछले कुछ uh, सालों में मैंने भी बहुत ऑब्जर्व uh, किया है और uh, मेरे खुद के एक्सपीरियंस में सर uh, एक ट्रांजिशन एक्सपीरियंस करने को मिला मुझे कि जिस जिस पीढ़ी में हम खेलना शुरू हुए और जो उस समय खेल की हमारी डिमांड्स थी वो बहुत तेजी से बदली एक समय के बाद और मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि जो एक हमारा सिस्टम बन चुका था हमारा एक रूटीन बन चुका था वो हमारे खेल के डिमांड्स के लिए सही नहीं था और उसे बदलना जरूरी था तो मुझे वो एक समय पे खुद भी एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं फिटनेस जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो पहले खेल को अच्छा करने के लिए फिटनेस मैंने शुरू करी लेकिन आज अगर प्रैक्टिस मिस भी हो जाए तो मुझे ज्यादा तो खराब लगता है उससे एक फिटनेस जी, बना मैं देख रहा हूँ तो है ही है लेकिन फिर भी आपकी एक्टिविटी इतनी नजर आती है मैं, मैं भी कभी कभी फॉलो करता हूँ कभी थकान नहीं लगती क्या आपको सर थक, थकान थकान अगर मैं ऑनेस्टली आपको बोलूँ थकान आ, हर किसी को होती है अगर आप फिजिकल आ, एफर्ट करेंगे तो थकान होगी लेकिन अगर आपका लाइफ अच्छा है अगर आप खा अच्छा रहे हैं अगर आप फिटनेस रेगुलरली कर रहे हैं आपकी रिकवरी अच्छी है तो आपकी स्लीप अच्छी है स्लीप पैटर्न्स अच्छे हैं तो आपकी रिकवरी तेज होगी तो अगर मैं थक रहा हूं और एक मिनट में मैं दोबारा रेडी हो जा रहा हूं तो वो मेरा प्लस पॉइंट है ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ అప్షాన్ ఆషిక్ పౌష్టికాహార నిపుణురాలు రుజుటా దివేకర్ తదితరులతో కూడా మోదీ ఆన్లైన్లో మాట్లాడారు ఈ సందర్భంగా ఫిట్నెస్ కి డోస్ ఆధా గంటా రోజు అని ప్రధాని మోదీ నినాదం ఇచ్చారు